Hello friends, welcome back again. In the last episode, we have learned the process of megasporogenesis, matlab formation of megaspore from the archisporial cell, which occurs in the ovule. Okay, and that part was also very interesting क्योंकि एक MMC से एक archisporial cell से एक MMC तैयार होता है, एक megaspore mother cell that is MMC से चार megaspore बनते हैं. Because meiosis give rise to four haploid cells, but ultimately होता क्या है कि out of these four you can see megaspores only one survive, एक ही बचता है, that is called functional megaspore near the chalazal end. तो chalazal end की तरफ जो megaspore होता है, it survives, it remains functional, okay? और बाकी के तीन क्या होते हैं, they dies away or they degenerate away. तो finally you can see ovule के अंदर हमने learn किया एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बच जाता है और इसी मेगास्पोर से, इसी फंक्शनल मेगास्पोर से फिर तैयार होता है द फाइनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं एंड साइज नेचुरली इज लार्जर एज कंपेयर टू द मेल, इसको मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं एंड दिस प्रोसेस देयरफॉर विल बी कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस. मेगा गैमेट तो फाइट बनाने वाला प्रोसेस विच ऑकर्स इनसाइड द मेगास्पोर. ओके, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ओके, वी विल डिस्कस टुडे. नाउ तो ऑलरेडी तो व्हाट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस, सिंपली दैट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. ओके, एंड देन द हैप्लॉइड जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल, इट इज द फर्स्ट सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सेल. तो दीज आर द टर्म्स. देखिए मेगा गैमेटोफाइट, उसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं. तो कॉमनली इट्स कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक क्यों, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूचर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसी के अंदर अल्टीमेटली आपका एम्ब्रियो तैयार होता है. ओके, और उसका डेवलपमेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द वर्म, इस कैन बी कंपेयर्ड विद द, यू कैन सी एनिमल में, यानी कि जो वर्म स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो सैक यू कैन सी उसी के कंपैरेटिव में हम लोग रिलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ चलिए अभी डेवलपमेंट क्या होता है. तो मेगास्पोर जो है वो मियोसिस से तैयार हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज हैप्लॉइड. तो अभी इसका जो डेवलपमेंट होगा तो दैट इज वेरी यूनिक. ओके, सो ये डेवलपमेंट कैसा होता है, तो यहाँ पे जो मेगास्पोर के अंदर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द मेगास्पोर विच हैज वन सेंट्रल न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड. इट विल अंडरगो थ्री सक्सेसिव प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि ये जो सिंगल न्यूक्लियस है, नाउ दिस सिंगल न्यूक्लियस विल कीप ऑन डिवाइडिंग. तो तीन बार डिवाइड होगा वो, यानी कि तीन यू कैन सी न्यूक्लियर डिवीजन हो गए और तीन न्यूक्लियर डिवीजन से फाइनली आठ न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे. तो एट न्यूक्लिया विल बी प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड इन दिस मेगास्पोर एंड दिस एट जो न्यूक्लियस है दे विल गेट ऑर्गेनाइज इन ए पर्टिकुलर यू कैन सी व्हाट मैनर, उनके पर्टिकुलर एंड के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, फाइनली सेवन सेल्स बनेंगे. देखिए एट न्यूक्लियस तो बन गया, लेकिन सेवन सेल कैसे बनते हैं वही बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके, नाउ चलो स्टार्ट कैसे करेंगे. सो देयर इज अ फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि खाली न्यूक्लियस डिवाइड होगा और सेल वॉल नहीं बनता है. सेल वॉल बनता है जब कैन सी तीन डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, तो वो कैसे, तो ये हो गया आपका मेगास्पोर, उसके अंदर अभी देखिए एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है. दिस विल अंडरगो द फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन विल गिव राइज टू टू न्यूक्लियस. ओके, दो न्यूक्लियस बनेंगे और ये दोनों न्यूक्लियस फिर दो एंड की तरफ माइग्रेट होते हैं, एक चलाजल एंड की तरफ और एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ. तो बता देते हैं सी रिप्रेजेंट द चलाजल एंड एंड एम रिप्रेजेंट द माइक्रोपाइल एंड. तो ये एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी न्यूक्लियस नेचुरली फाइनली ओरिएंट हो जाते हैं, दे डेवलप इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी व्हाट सेल्स. ओके, नाउ तो दो न्यूक्लियस फिर व्हेन द टू न्यूक्लियस रीच द चलाजल एंड की तरफ पहुंचते हैं, तो फिर से उनका सेकंड डिवीजन होता है. तो सेकंड डिवीजन से अभी दो दो सेल न्यूक्लिया तैयार हो जाते हैं, तो टोटल चार न्यूक्लिया हो गया एंड द फोर न्यूक्लिया ओके विल अंडरगो द थर्ड राउंड ऑफ डिवीजन, उससे तैयार होता है आठ न्यूक्लियस. तो ये ओके, तो आठ न्यूक्लियस अगर आप देख रहे हो तो इसमें दिख रहा है आपको, चार न्यूक्लियस जो है वो है आपका चलाजल एंड में और बाकी के चार न्यूक्लियस जो है वो है माइक्रोपाइल एंड में. ओके, नाउ इसके बाद में एक स्पेशल एजेंसी अभी माइग्रेशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस का. आउट ऑफ द फोर न्यूक्लियस जो चलाजल एंड में चार न्यूक्लियस है,
उसका एक न्यूक्लियस जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट एंड, और उसी तरह माइक्रोपल एंड के जो चार न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूक्लियस जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द चलाजियल एंड एंड बोथ ऑफ देम मीट नियर द ऑलमोस्ट सेंटर की तरह मीट करते हैं ओके okay? और इस तरह जो ये आठ न्यूक्लियस है ये तीन जोन में या तीन लेयर्स में क्या हो गए हैं ओरिएंट हो जाएंगे, एक तीन न्यूक्लियस जो चलाजल एंड में है, तीन न्यूक्लियस जो माइक्रोपल एंड है, और दो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पोजीशन में आ जाते हैं। एंड वंस द न्यूक्लियस गेट्स देयर फाइनल पोजीशन द सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। अभी सेल वॉल फॉर्मेशन जो जनरली है वो चलाजल एंड के सेल्स और आपके माइक्रोपल एंड के जो न्यूक्लियस है उनके आस पास होता है, और फाइनली जो बन जाता है स्ट्रक्चर, जो ओवल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक ओके। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आई कैन से इन डिटेल इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो ओके। तो द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, उसके कंपोजिशन, उसके हर सेल का मेन फंक्शन क्या है, तो उसके लिए नेचुरली यू हैव टू सी द वीडियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक ओके। नाउ तो फाइनल जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें टोटल सेवन सेल्स तैयार हो जाते हैं ओके। ये सेवन सेल्स कौन से हैं ओके, तो पहले चलाजल एंड की तरफ जो तीन सेल्स आपको दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड चलाजल सेल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एंटीपोडल्स, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये सारे एंटीपोडल्स क्या है ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, समझने के लिए वी हैव टू वॉच द वीडियो ऑन द एम्ब्रियो सैक ओके। नाउ तो यहाँ पे हमने खाली स्ट्रक्चर देखेंगे, वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो चलाजल एंड की तरफ जो तीन सेल्स है दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड चलाजल सेल ओके। उसका अपोजिट साइड पे जो माइक्रोपाइल एंड, दैट एंड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो माइक्रोपाइल एंड पे जो तीन सेल्स है ओके, उसमें डिफ्रेंसिएशन है, उसमें मिडल सेल जो है दैट इज द एक्स सेल, और उसको सपोर्ट करने के लिए दो लैटरल सेल्स है, उसको कहते हैं सिनर्जिड्स। तो ये दोनों मिलके अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एग एपरेटस, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से पहला फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विद एग सेल, और उसमें सिनर्जिड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हाट इज दैट रोल, उसके लिए आपको एम्ब्रियो सैक वाला वीडियो जो है आपको देखना पड़ेगा ओके। नाउ अभी तो ये जो तीन सेल है, चलाजल सेल, चलाजल एंड में जो सेल्स है, और आपका माइक्रोपल एंड में जो तीन सेल्स है दे डेवलप द सेल वॉल ओके। दे आर द cells and all of them are haploid, all of them are haploid cell okay, but what about the central two nuclei, ye dono nuclei generally they remain you can say close to each other, or just before fertilization they form or fuse to form the polar nuclei. to polar iske liye kehte hai ki ye dono end se aaye the, iske liye isko polar kehte hai, usko central nuclei bhi kehte hai, usko definitive nucleus bhi kehte hai. to iske bare mein information aapko you can see embryo sac mein zyada detail mein milega okay. and since the two nuclei fuse during the process of fertilization usko diploid consider kiya gaya okay. so ultimately we will find the embryo sac has the थ्री ग्रुप ऑफ सेल्स, तो थ्री चलाजल सेल्स जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं, तीन माइक्रोपाइल एंड के सेल्स जिसमें एक एक्स सेल है, दो सिनर्जिड है, और बीच वाला सेंट्रल लार्ज सेल जिसके अंदर होता है पोलर न्यूक्लियर विच इज कंसिडर्ड डिप्लॉयड ओके। तो इस तरह विल फाइंड फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज द एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक का फीचर ये है कि इट इज सेवन सेल, सात सेल्स है, उसमें से एक सेल आपका डिप्लॉयड है और बाकी के छह सेल्स क्या है, हैप्लॉयड है। तो दैट इज यू कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। नाउ एंड देन दिस सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड, आठ न्यूक्लियस है तो ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। सेल तो सात है लेकिन न्यूक्लियस आठ है। देन इट इज एंडोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक क्यों, क्योंकि ये मेगास्पोर के अंदर डेवलप होता है, एंडो मतलब इनसाइड, एंड इट इज मोनोस्पोरिक। तो एक एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से डेवलप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो सैक, सेवन सेल्ड, एट न्यूक्लिएटेड, एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक विच इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप। तो एम्ब्रियो सैक के बारे में डिटेल में आई टोल्ड यू, यू कैन सी यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑन द एम्ब्रियो सैक ओके। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कैन सी द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब आगे वाले एपिसोड में वी विल लर्न द डबल फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन टॉपिक्स ओके। सो विद दिस टुडे विल एंड द टॉपिक ओके, एंड विल मीट सून विद द न्यू टॉपिक्स ओके। स्टूडेंट्स बाय, आई मीन
जैसे कमिंग आउट ऑफ द फ्रेम, और आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट द नोट्स।